नमस्कार दोस्तों, आप सभी का औषधि एंड हेल्थ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं चेहरे को सुंदर बनाने के लिए बहुत ही सरल और आसान घरेलू नुस्खे के बारे में। यह जो नुस्खा है दोस्तों, आप अपने घर पर ही बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल तरीके से बनाकर अपने चेहरे पर लगा के अपने चेहरे को सुंदर, चमकदार और गोरा बना सकते हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको जो है 3 सामग्रियों की ज़रूरत पड़ेगी। आपको जो है बेसन लेना है, जो कि आपके घर में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद आपको एक नींबू लेना है, उसमें से आधा नींबू काट लेना है और आधे नींबू को लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको लेना है गुलाब जल। यह जो गुलाब जल है डाबर का है, आपको जो है किराने की दुकान पर 10 से 15 रुपये के आसपास मिल जाएगा। आपको जो है गुलाब जल लेना है। सबसे पहले दोस्तों आपको जो है एक कटोरी में थोड़ा सा बेसन को निकाल लेना है। थोड़ा सा दोस्तों बेसन ले लेना है। उसके बाद आपको जो है नींबू का रस 1 चम्मच उस बेसन में मिला लेना है। इस तरह से दोस्तों आपको मिलाना है, जैसे मिला रहे हैं हम, देख लीजिए। 1 चम्मच नींबू का रस मिलाना है। उसके बाद दोस्तों आपको जो है गुलाब जल को 1 चम्मच मिला लेना है। इस तरह से दोस्तों आपको गुलाब जल लेना है और 1 चम्मच मिला लेना है, और इस तीनों का जो है आपको अच्छे से पेस्ट बना लेना है। दोस्तों नींबू जो है आपके चेहरे पर के दाग धब्बे को, बैठी हुई मैल को काट कर निकाल लेता है, दूर कर देता है। जो बेसन है यह जो है चेहरे को जो है चमकदार, सुंदर, ग्लोइंग बनाता है। इस तरह से दोस्तों आपको जो है मिक्स कर लेना है, मिला लेना है और पेस्ट बना लेना है। इस पेस्ट को आप अपने चेहरे पे हफ्ते में 2 से 3 बार लगाना है। इस तरह से दोस्तों लगाना है, हफ्ते में 2 से 3 बार आप जो है इस तरह से लगाइए चेहरे पर, और 15 से 20 मिनट तक रहने दीजिए। 15 से 20 मिनट तक रहने दीजिए। उसके बाद किसी अच्छे फेस वाश से आप अपने चेहरे को धो लें। अगर आप ऐसा हफ्ते में 2 से 3 बार करेंगे तो जो है चेहरे की चमक बढ़ जाएगी, चेहरे पर के दाग धब्बे खत्म हो जाएंगे, चेहरा आपका सुंदर और चमकदार दिखने लगेगा। अगर दोस्तों आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।